सेकंड से बोल रहा हूँ। और यहाँ पे बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी इनको क्लियर करने के लिए, दिन रात लगे हुए हैं। तो ये स्लाइड आ गई थी आज से 2-3 दिन पहले, और ये हैवी स्लाइड थी। और आज इसमें हमने पहले भी मशीन लगा रखी थी, तो आज भी मशीन लगाई हुई है, काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। और 10 टायर से नीचे वाले जितने भी ट्रक हैं और छोटी गाड़ियाँ हैं वो सारी इसी रास्ते से जा रही हैं, तो इस वजह से ये इस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे DTI हूँ बफ्यास, बफ्यास से लेके पीर की गली तक मेरा एरिया है। ऐसे तो आम हालात में प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आजकल यात्रा के कारण जो फैसला लिया गया है कि ट्रैफिक जो 10 टायरी ट्रक हैं 10 चक्की तक, वो यहाँ से आएंगे भी और जम्मू से भी और श्रीनगर से भी इसी रास्ते जाया करेंगे। दूसरा, जैसे ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे खासकर बारिश के मौसम में अचानक पसियाँ गिराने का अंदेशा होता है, लेकिन उसके लिए जो ये मुगल रोड क्लियरेंस अथॉरिटी है उसका अच्छा कॉपरेशन है। जब भी कहीं लैंड स्लाइड आ जाती है कुछ अदा, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं और वो जल्दी आके जो लैंड स्लाइड वगैरह क्लियर करते हैं और लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा, आजकल थोड़ा इस पर रश है जो ज़्यादा है, यात्रा के कारण जो डायवर्शन दी हुई है ट्रक्स को, HMTs को, वो इधर से जा रहे हैं, लेकिन स्मूथली जो है वो चल रही है ट्रैफिक। अभी तक जब से यात्रा शुरू हुई है, जब से HMT चल रहे हैं, हमें उतनी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई। ट्रैफिक है जो स्मूथली चल रही है। जो ड्राइवर लोग हैं जहाँ जैसे पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उनको यही एडवाइस है कि इस रोड पे एक तो आस्था चलाएं, ओवर स्पीड ना चलाएं, और जब मौसम ख़राब हो तो रोड की कंडीशन TCU जम्मू से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पता करने के बाद ही सफ़र पर निकलें। कंडीशन कुछ स्ट्रेच है जैसे डुगरों से लेके पीर की गली तक, वो ज़्यादा पहाड़ी है और वहाँ लैंडस्लाइड और जो शूटिंग स्टोन है वो ज़्यादा आते हैं। लेकिन बाकी जो जैसे बफ्यास से लेके पुशौना तक, इसी साल इसको ब्लैक टॉप किया है, रोड अच्छी है, लेकिन सिर्फ यही ख़तरा होता है जब मौसम ख़राब होता है, यहाँ पसियाँ और शूटिंग स्टोन है जो वो आते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से कम्यूटर्स हैं जो हम उनको एडवाइस करते हैं कि जब भी इस रोड पर ट्रैवल करना हो, पहले TCU जम्मू से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पहले इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद अपनी सेफ्टी के लिए फिर ट्रैफिक यहाँ से सफ़र करें।